मनाया जा रहा है या कुत्ते का? सर सर जन्मदिन तो अभी का मनाया जा रहा है, लेकिन 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 मालिक इसका तो मरण दिन हो गया है। क्या हुआ सर? इसने आपके जन्मदिन का केक खाया और जब तक वो मालिक है और आपका ये नमक हलाल नौकर जिंदा है, आपके दामन को दाग नहीं लगने दूंगा। माँ जी, मेरी अपनी माँ तो नहीं है, आपको ये अपनी माँ समान समझा है। आपकी कसम माँ जी, जिन लोगों ने ये चाल चली है, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुपे हो, एक दिन उन्हें आपके कदमों में ला के रख दूंगा। मालिक ये देखिए ना राजा बाबू, आपके होटल का नौकर मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा है। अरे ये बदमाश, अरे ये मजाल। मालिक ये वर्दी आपकी है, नौकरी आपकी है, वफादारी भी आप ही की कर रहा हूं। इन तीनों चीजों ने मिलकर हमारे हाथों को बांध दिया है, वरना हम भी वो हाथ दिखाते कि आपकी जिंदगी की लड़ियां बिखर जाती। चलिए पूनम जी, मैं आपको घर छोड़ दूं। क्यों, क्या आज मैं अपने घर का पता भूल गई हूँ, या आप मेरे घर का पता जानना चाहते हैं? जी जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। ये दुनिया की मशहूर कैबरे आर्टिस्ट है, जिस होटल में परफॉर्म करती है उस होटल की किस्मत खुल जाती है। अभी हमारे होटल में आ रही है, बस समझ लीजिए हमारी किस्मत भी खुल गई। एक नाचने वाली, अपने जिस्म की नुमाइश करके लोगों का दिल बहलाने वाली हमारे होटल में नाचेगी और उसके नाचने से हमारी किस्मत खुल जाएगी। यस सर। अरे लाना था ऐसी किस्मत पर, तो एक नाचने वाली के इशारों पर खुले, वो आएगी नाचेगी और चली जाएगी। Decoration, good girl, good fun, good evening, sweetie. हम तो तुम्हारे ब्यूटीफुल चेहरे के माफिक ब्यूटीफुल कमरा मांगता है। एक्सक्यूज मी सर, आपने पहले बुकिंग कराया? अरे दत्तू, अरे मेरा दत्तू, अरे मेरा दत्तू, अरे ओ भाई, अरे ओ भाई, आ गया दत्तू, आ गया मेरा दत्तू, आ गया मेरा दत्तू, आ गया मेरा दत्तू, आ गया। अरे आज 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 ये क्या करता है, कभी हमारे पांव पड़ता है, कभी हमारे गले पड़ता है। चीटी, इस होटल में हर नए आने वाले के साथ ऐसा ही होता है क्या, यही गले पड़ता है लेडी लोग? नहीं सॉरी सर, क्या कर रहे हो अर्जुन? अरे दद्दू, अरे दद्दू, मैं। अरे वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तू है तू तू तू, मगर क्वेश्चन ये है कि तू है कौन? अरे मैं थारा पोता दद्दू। पोता? अरे वो क्या होता? पोता तो बाद में दद्दू, थारी बड़ी बड़ी मूछ कहाँ गई? ओ यू इडियट, ये मूछ मूछ की क्या बात करता है, फिर तू पूछेगा कि तुम्हारी पूछ किधर गई? अरे मजाक छोड़ो ना दद्दू, अभी अभी कहाँ से आ रहे हो क्या? ओ यू मीन विलेज, ओ इडियट, तुम्हारा चश्मा किधर है? हम तुमको विलेज वाला नजर आता है, हमारा सामान विलेज का है, हम इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली से होकर सीधा हिंदुस्तान आया, समझा? चलो चल जाओ। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, वो
जूली ओ शीला ओ रानो जमालो कोई हमको रोको कोई तो संभालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है ओ जूली ओ शीला ओ रानो जमालो कोई हमको रोको कोई तो संभालो कहीं हम गिर न पड़े थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है ये आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू देखो बेटे जिंदगी में हर मजाक कर लेना लेकिन इस बूढ़े से फिर कभी ऐसा मजाक न करना लो कर लो बात बूढ़ा मिस्टर अल्बर्ट डिकोस्टा रॉड्रिक अभी तो आप जवान हैं और आप इस घर में क्या कर रहे हैं आपके कदम यहाँ भी यहाँ पहुंचे सुनो पुन्नो मेरे दद्दू कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती या मिस्टर अल्बर्ट डिकोस्टा रहेंगे या हम रहेंगे फैसला कर लो जी 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 कैसी बातें कर रहा है मैं तो तुम्हारा दद्दू दद्दू कैसा दद्दू कौन सा दद्दू मुझे तो सिर्फ कद्दू मालूम है ये दद्दू क्या होता अब बस फिक्र बेटे तू जीत गया मैं हार गया बस बात बाकी होना है जो सोचने दो सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने दो मुझे प्यार से रात बाकी लेकिन मुझे ऐसे लगता है राजा बाबू अभी बहुत कुछ बाकी है That's good. आज राजा बाबू हमें और स्त्रियों को आपकी जरूरत नहीं है राजा बाबू की मौत का सौदा इन लोगों की जिंदगी के साथ हुआ था कीमत मेरे हाथ में है पहले आप इन्हें छोड़ दीजिए हाँ हाँ मगर ये बस मिल जाएंगे एक हाथ दे दूसरे हाथ ले छोड़िए इन्हें ठीक है छोड़ो इनको तुम इन सबको लेके निकलो भैरों हेलो क्या अब क्या हो गया इन पर दस्तखत नहीं है गायब हो चुके हैं अब तुम दोनों बाप बेटे ये डिसाइड कर लो कि राजा बाबू के दस्तखत लेने ऊपर कौन जाने वाला है बुरखुरदार ऊपर तो तुम ही जाओगे नहीं इस बदतमीज ने गोली चलाई है जनाब हमने तो नहीं चलाई हमने चलाई और तुम कह रहे थे कि तुमने अपने हाथों से इस पर गोली चलाई थी अर्जुन से जी मालिक जरा समझा दो जी मालिक तो मिस्टर गिरधर वो हुआ यूं कि आपके बेटे ने गोलियां तो अपने हाथ से ही चलाई थी और पिस्तौल भी असली था मगर उस असली पिस्तौल के अंदर गोलियां यानी कि बुलेट्स जो थी वो हाँ समझ गए ना सुना तुमने सौ सुनार की और एक लोहार की अब कोई चीज नफी नहीं है ना तो इस पिस्तौल में गोलियां और ना ही इस पेन की स्याही चलो यहाँ बैठो और साइन करो बैठो आओ नहीं मालिक आप नहीं जा सकते नहीं अर्जुन सिंह पूनम की जान खतरे में आ राजा बाबू होशियारी नहीं हाथ ऊपर करो यस गुड अब अंदर चला हाँ तो जालिम सिंह जी
अब आप हमारे राजा बाबू की हथकड़ियां खोल दीजिए, वरना अब हमें ये बताओ कि पुलिस स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? दो मील। और ये आजू बाजू क्या है? जंगल। जंगल, और जंगल में क्या होता है? अब हम क्या करेंगे? अरे भाई, अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो जो कुछ करना है वो शेर खुद ब खुद आके करेगा ना। और अब हम दोनों यही दुआ कर सकते हैं कि पुलिस आने से पहले शेर आ जाए। बेटी, आज मेरा वचन और फर्ज दोनों पूरे हो गए, मगर जिंदगी के बहुत सारे फर्ज बाकी हैं। मैं चंद दिन के लिए छुट्टी जा रही हूँ। नहीं माँ, अब आप कभी अकेली नहीं जाएंगे, हम सब साथ जाएंगे आपके। अरे वार उपराले, मैं तो शहर में आया था एक पोता लेने, पर तैने तो दो दो दे दिए और साथ में दो दो बहुए भी। इब मैं तब तक जीऊंगा जब तक ये दोनों दादा नहीं बन जाते। मगर दद्दू, एक बात बताओ, तुम शहर आए कैसे? ये इससे पूछो। क्यों मैं बहरो भाई, मैंने चिट्ठी लिखकर बुलाया था, ये मैं क्यों बताऊं? पर एक मिनट, एक फैमिली फोटो। चलो अर्जुन, चल पीछे चल। हाँ जी। अरी स्माइल। ओ अर्जुन, अरे भाई सूर्य सर पे चढ़ा, तू सो रहा है अभी तक, उठ। ओ अर्जुन उठ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जान दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू मेरी जिंदगी बहू। अरे ओ बहू, अरे बहू जल्दी आ, जल्दी आ। देख भाई, आपके काम बच्चों को उठाने का तू कर, हमसे नहीं होता। हमको तो मालूम होता है कि हम सचमुच बूढ़े हो गए।